ये मिल गया हमें, तो यहाँ से इसको एक बार हम ओपन कर लेते हैं। तो फर्स्ट मैं अपाचे को स्टार्ट कर रहा हूँ एंड देन जो है यहाँ पर MySQL को भी स्टार्ट कर रहा हूँ। दोनों को हम स्टार्ट करना पड़ेगा। वैसे अगर आप वेब के थ्रू करना चाहो तो आपको अपाचे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सॉरी वेब के थ्रू करना चाहोगे तो अपाचे की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आपको डायरेक्टली करना है तो आप क्या कर सकते हो, कमांड मोड के थ्रू कर सकते हो। सबसे फर्स्ट हम कमांड की बात करते हैं, कौन सी कमांड आपको यहाँ यूज करनी है। देखो यहाँ पर एक तो आपका है SQL databases, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे databases देख सकते हो। तो अभी जो हमारा डेटाबेस है वो ये वाला डेटाबेस अवेलेबल है। अगर आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्लिक ऑन क्रिएट डेटाबेस। अब ये कह रहा करंटली यूजिंग 1 of 400 अवेलेबल डेटाबेस, तो यहाँ पे आप डेटाबेस का नेम लिख दो, क्या डेटाबेस आपको बनाना है, और उसको क्या कर दो, क्रिएट कर दो। तो हम एक काम करते हैं, डेटाबेस अलग से बना लेते हैं टास्क, ठीक है। ये टास्क हमारा डेटाबेस है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो डेटाबेसेस हो गए, ये वाला टेस्ट वाला हो गया, तो एडमिन पे क्लिक करते हैं तो इट विल रीडायरेक्ट टू पीएचपी माय एडमिन। ये बिल्कुल ब्लैंक डेटाबेस है और हम इसी डेटाबेस को यहाँ पर यूज करेंगे। इस डेटाबेस का कंप्लीट नेम जो है epzip एंड _28943919_test, ये आपका डेटाबेस है। अब टेबल क्रिएट करने के लिए आप क्या, एक तो यहाँ से यूज कर सकते हो, सेकेंड है आप यहाँ पे क्वेरी पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप क्वेरी लिख सकते हो टेबल क्रिएट करने की, ठीक है, और उसको सबमिट कर सकते हो, तो इससे आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। कल हमने फ्रूट वाली टेबल बनाई थी, तो सेम काम अब यहाँ पे हम करेंगे। सबसे फर्स्ट आप क्या करो, यहाँ पे सीएमडी एंटर करो कंप्यूटर वाले, ये सीएमडी ओपन हो गया, ठीक है। हाँ एक बार आपको रन कर देना है वहां पर कंप्यूटर के अंदर, आप एडमिनिस्ट्रेटर भी करो या फिर अदर यूजर में भी कर सकते हो, क्योंकि ये वाला जो है आपका सभी के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक कमांड लिखो c/xampp एंड उसके बाद में MySQL, देन अगेन bin MySQL अगेन एंड u। इस कमांड का मीन समझाता हूँ मैं, होता क्या है, ये जो आप देख रहे हो दिस इज द पाथ, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो c/xampp, ये पाथ है कंप्लीट यहां तक। हमें इस वाली MySQL को रन करना होता है। यू मीन्स यूजर नेम एंड रूट इज ए यूजर नेम है आपका, कि आप कौन से यूजर नेम से लॉग इन करना चाह रहे हो, दैट इज रूट। रूट का अभी कोई पासवर्ड सेट नहीं है, हमने किया भी नहीं है। और ये जो लोकेशन है ये कहाँ पे अवेलेबल है आपको बता देता हूँ। देखो जो लोकेशन आप एक्सेस करना चाह रहे हो इन सी ड्राइव, हियर इज XAMPP, ये आपका XAMPP फोल्डर हो गया, एंड इन द XAMPP फोल्डर यहाँ पे मिलेगा आपको MySQL, दिस इज MySQL, एंड यहाँ पे फिर MySQL है ना, यस MySQL के अंदर bin, एंड bin के अंदर यहाँ पे फिर से आपको MySQL मिलेगा अगेन, ठीक है। देखो MySQL.exe इस फाइल को रन करवाना होता है हमें, तो इसलिए हम क्या करते हैं इतना लंबा पाथ यहाँ पर एंटर करते हैं सी डायरेक्ट यूज करने के लिए। फिर आप यहाँ पे चेक कर लो एक बार, यहाँ से अगर ये ऑप्शन दे रहा है, यहाँ सिर्फ स्टॉप का ऑप्शन दे रहा है। डायरेक्ट एक्सेस करने का तरीका जो है वो अभी मैं आपको पीएचपी माय एडमिन के थ्रू बताऊंगा। तो ये तो मेथड हो गया यहाँ पे, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे कमांड लिख करके, तो ये क्या करेगा आपको, अगर डेटाबेस आपका रन है तो ये क्या करेगा, उसमें लॉगिन करवा देगा आपको। सर मेरे तो आ रहा है कि इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। तो आपने स्लैश के अंदर कोई प्रॉब्लम, या तो आपने XAMPP फोल्डर चेक करो कौन से लोकेशन में, अगर XAMPP फोल्डर आपका सी ड्राइव में है, हाँ चेक द लोकेशन ऑफ दिस फोल्डर XAMPP, कि XAMPP कहाँ पे अवेलेबल है। तो XAMPP वाला फोल्डर जिस लोकेशन पे, उसी लोकेशन पे आपको इसको यूज करना है। सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पे ये पीएचपी माई एडमिन जो यूज करना है, अभी हम यूज कर रहे हैं कौन सा, वेबसाइट वाला। अब हम यूज करेंगे XAMPP वाला कंट्रोल पैनल, तो XAMPP पे क्या करना है आपको, लोकल होस्ट टाइप करना है, लोकल होस्ट एंटर। अभी लोकल होस्ट आपने एंटर किया, डैशबोर्ड आ गया, हियर इज पीएचपी माई एडमिन। तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे भी पीएचपी माई एडमिन यूज करना है, एंड यहाँ पर भी आप पीएचपी माई एडमिन यूज कर सकते हो। जो क्वेरी में वहां पे यूज करूंगा उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर भी दिखेगा। तो ये भी आपका पीएचपी माई एडमिन ही है जो ऑनलाइन चल रहा है, और ये वाला भी आपका पीएचपी माई एडमिन है जो ऑफलाइन चलेगा। दोनों के प्रोसेस बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहां पे डेटाबेस का डिफरेंस हो सकता है। XAMPP की डायरेक्टरी देखो, आप एक जैसे हमने सी ड्राइव ओपन किया, सपोज करो सी ड्राइव में ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपका
XAMPP वाला फोल्डर यहाँ पर है. सो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन जब आपने इंस्टॉल किया होगा तो उसने आपसे लोकेशन पूछी होगी. तो लोकेशन आपकी जो सी ड्राइव या डी ड्राइव वेयर इज विंडोज इंस्टॉल्ड उसको ये डिफॉल्ट सेलेक्ट करता है. तो यहाँ पे क्या है कि आप इस XAMPP वाले फोल्डर को देखो, इसकी लोकेशन क्या है, सी है, डी है, ई है, जो भी है, एक्स वाई जेड, उस लोकेशन को यहाँ पे यूज करना है. सपोज करो आपका XAMPP फोल्डर डी में, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, डी कॉलन XAMPP, ठीक है. इस तरीके से कमांड यूज होगी. ये मेरा खोला डी में, इससे मेरा बिल है ही नहीं, कोई सीजीआई बिल है. आप एक काम करो, अपनी एक बार स्क्रीन शेयर करो, ठीक है, मैं अलाउ करता हूँ. आप अपने स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ कि कहाँ पे मिलेगा. सर शो हो रही है, वेट, अभी स्टार्ट ही हुई है. हाँ देखो, यहाँ पे MySQL वाला फोल्डर है ना. यस सर. एंड यहाँ पे बिन है देखो. लेकिन आपने पता है क्या क्या इस फोल्डर का नेम चेंज कर दिया है. आपने इस फोल्डर का नेम रखा है i.r.i.s digital. देखो आपने फोल्डर नेम चेंज कर दिया, ये नहीं करना था हमें, है ना. ऊपर देखो फोल्डर नेम, देखो d के अंदर है आपका, d:\r.i.s/digital. तो आपने XAMPP फोल्डर का नेम ही चेंज कर दिया. उसने पूछा होगा आपसे इंस्टॉल करते टाइम, तो आपने क्या उस फोल्डर का नेम चेंज कर दिया. तो अब ये वाला पाथ आपको एंटर करना है, ये वाला पाथ एंटर. हाँ कॉपी कर लो पहले इस पाथ को, कोई दिक्कत नहीं है. वहां क्लिक करके कंट्रोल सी कर लो और फिर इसको वहां पे पेस्ट कर देना, और स्लैश MySQL यूज करके जो मैंने कमांड बताई वो कमांड को रन कर देना. MySQL आप इस कमांड को कॉपी तो करो एक बार, अभी मैं रन करवा देता हूँ आपसे. कर लिया? तो XAMPP का कंट्रोल पैनल ऑन कर रखा है आपने, MySQL स्टार्ट कर दिया. ओके तो उसमें CMD पे आ जाओ, क्लिक करो CMD पर. वहां पे जो मैं कमांड बता रहा हूँ वो कमांड आप यहाँ पे एंटर कर लेना. ओके सर. ठीक है, फटाफट से CMD ओपन करो आप. और आज स्टूडेंट बहुत ही कम है, क्या वो वेब डिजाइनिंग पसंद नहीं आ रही क्या बच्चों को? कम हो गया स्टूडेंट. चलो कोई बात नहीं, सर अब मैं कर लूंगा. चलो ठीक है, तो अब मैं वापस से अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और अब जो मैं आपको कमांड्स बताऊंगा उसको आपको थोड़ा अच्छे से देखना है. 26 जून हो गई है. ओके डन, लेट्स कंटिन्यू. ओके अब देखो भाई, पहला क्राइटेरिया ये है कि हाउ टू चेक डेटाबेस. तो अगर आपको डेटाबेस चेक करना है तो एक कमांड होती है शो डेटा बेसिस. अब डेटाबेसेस इतने सारे बने हुए हैं मेरे पास, तो डेटाबेसेस क्या होते हैं एक्चुअली, आप एक डेटाबेस बनाते हो और वहां पे अपना डेटा टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हो. टेबल्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आपने एमएस वर्ड पे देखी होगी, एक्सेल पे देखी होगी, सेम उसी तरीके से. तो एक बार मैं ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझा देता हूँ. वहां पे क्या होता है, टेबल का फॉर्मेट इस तरीके से होता है, लाइक दिस. ये आपकी टेबल है, ये आपके कॉलम्स हो गए, एंड दीज आर द रो. यहाँ पर आपका फील्ड होता है, सपोज करो सीरियल नंबर है, नेम है, और जो भी आपका जो भी फील्ड आप एंटर करना चाहते हो, यहाँ पे आपका डेटा होता है इस तरीके से, इस फॉर्मेट में. सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर भी अवेलेबल है. ये जो कॉलम्स है इनको कहते हो आप एट्रीब्यूट्स कहते हो, और ये जो फील्ड भी कहते हैं इनको हम, है ना, फील्ड भी कहते हैं. और ये जो आपकी रो है, रो को आप क्या कहते हो, रिकॉर्ड भी कहते हैं, टपल्स भी कहते हैं इनको. ये वर्ड आपने सुना होगा टपल्स. तो रो को क्या कहते हैं, टपल्स कहते हैं डेटाबेस में. और जो आपका फील्ड है, जो कॉलम है, वो फील्ड हो गया, या फिर उसको क्या कह सकते हो आप, एट्रीब्यूट भी कह सकते हो. तो ये एट्रीब्यूट हो गए, इसको रो को रिकॉर्ड भी कहते हैं और टपल्स भी कहते हैं. तभी अगर मैं टपल्स वर्ड यूज करूं तो पता होना चाहिए कि मैं रो की बात कर रहा हूँ. चलो अब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है हमें अप्लाइड करना है किसके ऊपर, यहाँ पर. सबसे फर्स्ट हमने डेटाबेस शो किया, अब डेटाबेस क्रिएट करके बता रहा हूँ मैं आपको. सेम कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कमांड भी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, और इसी कमांड को हम यूज करेंगे. यहाँ पे SQL के जो प्रोग्रामिंग है वो आपको अप्लाइड करनी है. SQL, 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 ये रहा, this one, SQL.
यहाँ डेटाबेस क्रिएशन से लेकर के टेबल क्रिएशन तक सारा करेंगे। देखो यहाँ पे इसने डायरेक्ट सेलेक्ट से दिया है, बट आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट करने वाला कॉन्सेप्ट है कि आपको यहाँ पे क्या डेटाबेस क्रिएट करना, तो कमांड होते हैं क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस नेम, ये एग्जांपल यहाँ पर गिवन है। अब मैं इसको रन करके बताता हूँ आपको, जैसे आपको यहाँ पे डेटाबेस बनाना है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम क्या रखोगे आप, समर कैम्प ये, एंड सेमीकोलन रखना है हमेशा, यहाँ पर भी सेमीकोलन यूज करना है MySQL के अंदर, और एंटर करो। ये क्या बोल रहा है, क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड। अब आपने क्या किया, डेटाबेस क्रिएट कर लिया, तो ये आपके बहुत सारे डेटाबेस रखे हुए। अब सबसे फर्स्ट आपको डेटाबेस में एंटर होना पड़ेगा, तो एंटर होने के लिए कमांड होती है यूज, अगर वहां नहीं मिले कोई बात नहीं, ये कमांड देख लो यूज एंड डेटाबेस नेम एंटर, यहाँ लिखा हो डेटाबेस चेंज, मतलब अब क्या हुआ आप डेटाबेस में एंटर हो गए इस वाले में, अभी आपका डेटाबेस है यहाँ पे, इसका नेम आ रहा है, देखो नेम यहाँ पे शो हो रहा है, इट मीन्स आप इस वाले डेटाबेस में हो। अब यहाँ पे टेबल्स चेक करते हैं कि यहाँ टेबल्स कितनी है, तो यहाँ पे कमांड होगी शो, क्या क्या कमांड हो सकती है बताओ, गैस करो, डेफिनेटली शो टेबल्स, तो यहाँ पे अभी कोई टेबल नहीं है, एम्प्टी है, ओके। अब यहाँ पे आपको टेबल्स क्रिएट करनी है क्योंकि आपका डेटा इन्हीं टेबल्स में स्टोर होता है, तो टेबल्स क्रिएट करने का सबसे पहले ओवरव्यू समझो, क्रिएट टेबल पे जाओ एंड देखो यहाँ पे क्या है, ये क्रिएट टेबल, टेबल नेम या आपके कॉलम, कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री और उनके डेटा टाइप, डेटा टाइप्स में क्या होता है कि आप उसमें कॉलम में नंबर रखना चाहते हो, टैक्स रखना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो, तो डेटा टाइप्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जब आप यहाँ पे स्टडी करोगे, ठीक है। ये देखो इंट्रो में जाना, सिंटैक्स में देखना, आपको यहाँ पे डेटा टाइप्स भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक टेबल है, क्रिएट टेबल न्यू टेबल नेम एज, तो ये एज क्या एलाइज होता है, ठीक है, ये उसकी कॉपी करने की कोशिश की जा रही है एक तरह से दूसरी एग्जिस्टिंग टेबल से, हमें क्या एक बिल्कुल सिंपल टेबल बनानी है, तो वो टेबल कैसे से फ्रूट वाली टेबल बनानी है। अब टेबल का स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, दिस इज योर टेबल, यहाँ पर हम एक काम करते हैं सीरियल नंबर लेते हैं SN, यहाँ पे आपका क्या हो गया नेम हो गया फ्रूट का, और यहाँ पे क्या हो गया कलर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे वन पे, जैसे एप्पल है, एप्पल का कलर रेड हो गया, तो ये वाली टेबल हमें बनानी है। यहाँ कैसे बनाओगे, HTMLAdmin में तो बहुत ईजी है बनाना, यहाँ कैसे बनाओगे, देखो ये लिखोगे क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल का नेम आएगा फ्रूट एंड पैरेंथेसिस, एंटर करो। अब सबसे पहले आपको क्या सीरियल नंबर बनाना है, तो सीरियल नंबर को क्या करो, यहाँ पे टाइप करो फील्ड नेम, सीरियल नंबर को एस एन कर देते हैं, एंड डेटा टाइप इंट, इंट होता है नंबर के लिए विदाउट फ्रैक्शन नंबर, ओके, यहाँ पे इंट लिया आपने एंड कॉमा लगा दो। उसके बाद में क्या करना है आपको, नेम, तो नेम लिया आपने, नेम में क्या आएगा टेक्स्ट आएगा, तो ज्यादा बड़ा टेक्स्ट हो तो उसके लिए आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो इस तरीके से, और अगर ज्यादा नहीं है कोई नेम लिखना है या कोई एक लाइन में लिखना है तो उसके लिए क्या कर सकते हो, वर्कर, ये डेटा टाइप होता है, और इसकी लिमिट हमने सेट कर दी 100। उसके बाद में कलर, कलर भी क्या होगा टेक्स्ट में लिखोगे तो उसको भी वर्क है, हाँ। एक मिनट, ये टेबल का स्ट्रक्चर देख लो, मैं इसको रिपीट करता हूँ एक बार बनने के बाद में, क्योंकि यहाँ अगर कमांड मोड में अगर एक बार आपने कोई कमांड एंटर कर दी तो अब क्या होगा कि मैं वापस बैक नहीं जा सकता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, तो इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे होगा, आप डेटाबेस ही पढ़ेंगे हम अच्छे से। तो यहाँ पे क्या, जैसे ये आपने वर्कर लिया, अब लास्ट वाला जब आप लिखते हो ना यहाँ पर फील्ड, तो आपको कॉमा यूज नहीं करना है, अदरवाइज क्या होगा रॉन्ग हो जाएगा, तो लास्ट में क्या है आप एंटर करके कॉमा यूज नहीं करना है, पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन एंटर करो, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ योर टेबल, ये आपके टेबल क्रिएशन का सिंटैक्स हो गया, एंड व्हेन यू प्रेस एंटर ओके क्वेरी ओके जीरो रो अफेक्टेड, यानी कि आपकी टेबल बन चुकी है। टेबल को चेक करने के लिए क्या करोगे आप, शो टेबल्स एंटर करो, देखो फ्रूट नाम की टेबल बन गई। अब आपका स्ट्रक्चर देखना आपको इसको, तो इसको आप क्या कर सकते हो, DESC यूज कर सकते हो, इसका मतलब था डिस्क्राइब, एंटर किया, DESC लिख सकते हो, डिस्क्राइब लिख सकते हो, एक्सप्लेन लिख सकते हो, ये आपके फील्ड हो गए, ये आपका डेटा टाइप हो गया जो अभी हमने क्रिएट किए थे, जैसे ऊपर आपने जैसे जैसे क्रिएट किया है ना वैसे वैसे टेबल बन गई। अब ये वाली टेबल आपको PHP में एडमिन में भी दिखेगी, कैसे देखो अपन लोकल होस्ट पे चलते हैं, सो मूव टू ऑन लोकल होस्ट,
यहाँ पे आपको डेटाबेस मिलेगा किसके नाम से, समर कैंप के नाम से। तो वेयर इज द समर कैंप, समर कैंप, समर कैंप, समर कैंप, इसको रिफ्रेश करते हैं। सो क्लिक हियर, रिलोड करते हैं, एंड नाउ हियर इज द समर कैंप। क्लिक करो समर कैंप पर और जो टेबल आपने क्रिएट की है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। सो वेट फॉर वन मिनट, इट इज लोडिंग द डेटा। अच्छा देखो यहाँ पे फ्रूट नेम की टेबल आ गई। सो क्लिक, अगर इफ यू क्लिक ऑन स्ट्रक्चर तो ये आपको स्ट्रक्चर शो करेगा ऑफ द फ्रूट टेबल, एंड इफ यू क्लिक ऑन ब्राउज तो ये क्या किस पे जाएगा, डेटा के ऊपर जाएगा। तो डेटा आप डायरेक्टली यहाँ पर भी एंटर कर सकते हो और वहां से भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो सीरियल नंबर, नेम, कलर, ये वही चीजें हैं जो आपने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप की थी, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ से बनाओ या वहां से बनाओ। अगर आपको यहाँ कोई डेटा इंसर्ट करना है, देखो मैं यहाँ पे चेक करके बताता हूँ आपको, आपको टेबल में से डेटा चेक करना होता है तो यहाँ क्वेरी यूज करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रूट, तो बिल्कुल देखो कुछ भी नहीं इसके अंदर। अगर मैं डेटा यहाँ से इंसर्ट कर दूं या फिर वहां से इंसर्ट करूं, सपोज करो यहाँ से डेटा इंसर्ट करते हैं, तो क्लिक ऑन इंसर्ट या इंसर्ट पे क्लिक किया, हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, ये प्रैक्टिस से आएगा। जैसे आपने सीरियल नंबर 1 लिखा एंड फ्रूट नेम एप्पल, एंड यहाँ पे कलर लिख दिया रेड, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर दिया गोपर। कल ये प्रोसेस मैंने आपको समझाया था ऐसे करना है, आप यहाँ से भी डाइट क्रिएट कर सकते हो। वैसे क्वेरी ये होती है इंसर्ट इनटू फ्रूट, और क्या इंसर्ट करना है आपको, सीरियल नंबर, नेम, कलर, फिर उसकी वैल्यूज में इस तरीके से वैल्यूज पुट कर दो और ये चला जाएगा, दैट्स इट। अच्छा ये तो ये रो इंसर्ट इसने कर दिए, अगर इसको चेक करना है तो अगेन यहाँ पे सेलेक्ट कमांड लगाओ एंड एंटर प्रेस करो। देखो आपका डेटा यहाँ पे आ गया, वन एप्पल रेड। तो इस तरह से आप क्या डेटा इंसर्ट कर सकते हो। ये इंसर्ट वाली क्वेरी है, ये सेम क्वेरी आप यूज करके डेटा भी इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं एक बार इसका भी प्रोसेस आपको समझा देता हूँ कैसे। यहाँ पे आपको जैसे इसमें डेटा इंसर्ट करना है तो कमांड है इंसर्ट इनटू, अच्छा इंसर्ट किस में करना है, फ्रूट वाली टेबल में, तो टेबल का नेम लिखो फ्रूट। देन अब क्या क्या एंटर करना है आपको, सीरियल नंबर, नेम, कलर। तो यहाँ पे क्या करो, अगर आपको तीनों चीजें सीरियल से एंटर करनी है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, डायरेक्ट वैल्यू से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट एक बार मैं आपको फील्ड वाला करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन कौन से फील्ड है आपका, सीरियल नंबर कॉमा एंड नेम एंड यहाँ पे कलर, ये तीन चीजें आपको एंटर करनी है। तो तीन चीजों के क्या एंटर करोगे, वैल्यूज, ठीक है। सबसे फर्स्ट आप क्या एंटर करना चाह रहे हो, तो सेकंड नंबर पे कॉमा, नेम क्या होगा बनाना, एंड उसका कलर क्या होगा येलो ग्रीन, जो भी आपको एंटर करना है, एंड सेमीकोलन रख दो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझना, टेबल का नाम क्या है फ्रूट, सीरियल नंबर यहाँ पे आपने लिखा, देखो नंबर इसलिए हमने बिना सिंगल या डबल इनवाइटेड कॉमा के लिखा है। देन फिर यहाँ पे क्या आपका नेम है, नेम क्या है बनाना, अब ये क्या टेक्स्ट है, टेक्स्ट हमेशा क्या होता है सिंगल और डबल इनवाइटेड कॉमा में आता है। देन फिर आपका कलर है, तो कलर क्या आ रहा है, ये देखो ये वाला, जो ऑर्डर आपने यहाँ पे मेंटेन किया है सेम ऑर्डर यहाँ पर भी मेंटेन करना है। अगर आपने इसके ऑर्डर में चेंजेस किए तो क्या होगा, आपका डेटा क्या होगा गलत जगह इंसर्ट हो जाएगा, कलर में हो सकता है फ्रूट नेम चला जाए या नेम में येलो कलर आ जाए एक्सेट्रा। अब यहाँ पर हम एंटर करते हैं फाइनली, ओके यहाँ पर देखो क्या इशू हुआ, सीरियल नंबर, नेम, कलर, वैल्यूज टू, बनाना, समर कैंप एट लाइन वन, एरर। देखो ये एरर भी शो करेगा कि कहाँ पे एरर है, तो एक बार एरर को हम देख लेते हैं। ओके चलो देखते हैं ये क्या एरर बता रहा है, जो कलर है, सीरियल नंबर वगैरह है ये वाले। देखो वैसे तो क्या है कि जैसे आपकी क्वेरी अगर गलत हो जाए तो आप एरो की दबाओ। अब जैसे आप मान लो सीरियल नंबर है, ठीक है, एक बार यहां से मैं यहां पर ये रिमूव करके देखता हूं, क्योंकि ये फील्ड है, फील्ड डायरेक्टली काम करते हैं। अब एंटर करते हैं हम यहां पर, ओके क्वेरी, ओके। तो आपको क्या करना है, जो फील्ड नेम है वो बिना इनवाइटेड कॉमा के यहाँ पे एंटर करने हैं,
तो आपका डेटा क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। अब ये जो डेटा आपने इंसर्ट किया है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, जैसे आप क्लिक करोगे ब्राउज, PHP माई एडमिन और दोनों का हम एक बार चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम, ये थोड़ा सा स्लो है, इसलिए हम क्या करते हैं वहां से कर रहे हैं, वो फास्ट सीएमडी वाला, वो फटाफट से आपको रिजल्ट दे देता है। देखो यहाँ पे बनाना भी आ गया और एप्पल भी आ गया, आप चाहो तो इसको एडिट भी कर सकते हो इस डेटा को, ये सब कुछ आपके हाथ में। हाँ, सीएमडी पे आपने कमांड एंटर किया और फटाफट से वर्क करेगा। जैसे आपको यहाँ पे डेटा देखना है तो यहाँ पर लिखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रूट, ये देखो एंटर करते डेटा आ गया फटाफट से। अब अगर आप वहां पे चेक करते हो, जैसे मान लो आपको स्ट्रक्चर चेक करना है, स्ट्रक्चर जैसे आपने कमांड एंटर किया फटाफट वर्क कर गया है, अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर चेक करना है, तो आपने स्ट्रक्चर पे क्लिक किया तो अब देखो लोडिंग में टाइम लग रहा है, पहले लोड होगा और फिर वहां पे अब ये शो कर रहा है। ये मैं ये नहीं कह रहा है ये बहुत ज्यादा स्लो है, बट कई बार ये थोड़ा बहुत टाइम ले लेता है ना। तो आप चाहो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, यहाँ से यूज कर लो या फिर PHP माई एडमिन से। अच्छा, अब यहाँ से टेबल कैसे क्रिएट करोगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है तो पहले तो हम यहाँ पे देखो न्यू का ऑप्शन है, क्लिक हियर, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, न्यू के अंदर आप यहाँ से कॉलम नेम डायरेक्टली सेट कर सकते हो, कितने कॉलम आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे अब ये वाले कॉलम्स आ गए, तो यहाँ पे आपको क्या कॉलम का नेम, डेटा टाइप और ये इंसर्ट कर दो। तो यहाँ पे आप दूसरी टेबल बनाना चाहते हो, तो यहाँ सबसे पर सीरियल नंबर ले लिया हमने SN और ये इंट में ले लिया, इसकी लेंथ आपने कितनी रख दी 3। ओके, बाकी चीजें को मत छेड़ो। सेकंड है नेम, अच्छा इस टेबल का नाम भी सेट करना हमें, तो यहाँ पे देखो वर्कर सेट करो और जितना आपने वहां करेंगे क्या, यस हमेशा हम वर्कर ही यूज करेंगे क्या, एक मिनट आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, एक बार दोबारा से। हाँ देखो, जब आपको नॉर्मल नेम वगैरह एंटर करना हो तो वर्कर यूज करो, ये जो डेटा टाइप से टैक्स वाला है, डेट वाला, डेट के लिए होता है, नंबर के लिए देखो इंट है ना, तो हमने इंट यूज किया है। ऐसे डेट एंड टाइम के लिए डेट है, स्ट्रिंग के लिए चेयर है, वर्कर है, टाइनी टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, ये सब यूज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली अपन वर्कर यूज करो, ठीक है। तो ये दो तीन डेटा टाइप्स हैं, आप यहाँ पे कलर यूज कर लेते हैं कलर, और कलर में अपन वापस से वर्कर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जनरल डेटा टाइप्स हैं, और यहाँ पे भी 100 इसके लिमिट एंटर कर देते हैं। टेबल का नेम लिख लेते हैं फ्रूट वन, ठीक है फ्रूट वन। अब ये आपका, अच्छा इसको एक बार सेव पे क्लिक करते हैं, देखो क्या होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, फ्रूट वन के नाम से टेबल बन गई। अब यहाँ पे आप जब कमांड यूज करोगे शो टेबल्स, देखो यहाँ पे फ्रूट वन के नाम से भी टेबल आ गई। अब इसको देखो, जो फील्ड आपने बनाए थे सेम फील्ड यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो ये दोनों काम कर सकते हो आप, ग्राफिकल मोड में भी बना सकते हो टेबल को, एंड कहाँ पे बना सकते हो आप, वहां से SQL के मोड में भी जाके और कमांड एंटर कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे टेबल क्रिएट करनी तो SQL में यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे आप डायरेक्टली कमांड एंटर करो, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रूट वन, ठीक है यहाँ पे फ्रूट कर देते हैं, ठीक है फ्रूट कर दिया, और आपने क्या किया इसको, अब इस क्वेरी को रन करना है तो गो पे क्लिक किया आपने, ठीक है। तो देखो नीचे क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो जैसे क्वेरी आप वहां पे यूज कर रहे हो वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे आप क्रिएट टेबल वाली क्वेरी भी टाइप कर सकते हो, आप इंसर्ट वाली क्वेरी भी टाइप कर सकते हो। जैसे आपने इंसर्ट पे क्लिक किया, देखो इंसर्ट वाली क्वेरी आ गई अपने आप, क्या इंसर्ट करना है यहाँ पे, वैल्यूज इंसर्ट कर दो, ऑटोमेटिकली ये एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ से बस वैल्यू वन वैल्यू टू कर लो, सिर्फ फ्रूट वन में आपको एंटर करना है, ठीक है। अब नंबर वन पे हम क्या कर देते हैं, बनाना एंटर कर देते हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर हमने 1 ले लिया, एंड वैल्यू 2 में आपने क्या इंसर्ट कर लिया यहाँ पे, बनाना, और यहाँ पे वैल्यू 3 जो है वहां क्या इंसर्ट कर दोगे आप, ग्रीन कलर, ये किया। और आपको क्या करना है, लास्ट में यहाँ पे गो पे क्लिक कर दो, ठीक है। देखो क्वेरी रन हो गई सक्सेसफुली, आप यहाँ पे चेक करो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रूट वन, ये देखो बनाना आ गया यहाँ पर। तो दोनों मेथड्स आप यूज कर सकते हो।
आप कमांड मोड भी यूज कर सकते हो और आप ये भी यूज कर सकते हो। अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर के लिए क्या करना होगा, आपको डेटाबेस को अच्छे से सीखना है, डेटाबेस को अच्छे से स्टडी करना है। चलो ये तो बात हो गई कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, टेबल कैसे बनानी है, ओके, और टेबल का डेटा कैसे शो करना है। अगर आपको डेटाबेस या टेबल डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हो, एक कमांड है ड्रॉप। अब ड्रॉप पे क्या MySQL में भी आ रहा है ड्रॉप करने का डेटाबेस। हाँ, तो ड्रॉप से क्या होगा, फर्स्ट इफ यू वांट टू ड्रॉप डेटाबेस तो यहाँ पे क्या टाइप करना है, डेटा बेस। और अगर आपको यहाँ पे टेबल ड्रॉप करना है तो क्या कर दो, ड्रॉप टेबल, और यहाँ पे उस टेबल और डेटाबेस का नेम लिख दो। सपोज करो अभी हमारे पास कितनी टेबल्स हैं, हमारे पास टू टेबल्स है, आपको फ्रूट वन को डिलीट करना है तो कमांड होगी ड्रॉप टेबल फ्रूट वन, एंटर, और ये आपकी टेबल क्या हो गई, डिलीट हो गई, दैट्स इट। और जैसे आप शो करोगे शो टेबल्स तो आपको एक ही टेबल मिलेगी। अच्छा सॉरी, फ्रूट हमने डिलीट कर दिया, ओके ओके, हमने फ्रूट टेबल को डिलीट कर दिया तो फ्रूट वन ही यहाँ पर है। तो अगर आप यहाँ पे जाके चेक करोगे, जैसे आपने समर कैंप पे क्लिक किया तो यहाँ पे कितनी टेबल्स है, ओनली फ्रूट वन, ठीक है, यहाँ पे ये शो तो कर रहा है, बट वैन यू रिलोड इट, जब आप इसको रिलोड करोगे तो देखो ये बताएगा कि आपके पास एक ही टेबल है, ओनली फ्रूट वन। तो अभी आपको सिर्फ फ्रूट वन ही मिलेगी। और अगर आप इस डेटाबेस को डिलीट कर देते हो, कैसे, ड्रॉप डेटाबेस समर कैंप सेमीकोलन, एंटर किया और ये आपका डेटाबेस डिलीट हो गया। अब देखो यहाँ पे जैसे आप इसको रिलोड करोगे, देखो स्टूडेंट के जस्ट बिलो है, स्टूडेंट के बिलो और टेस्ट के अबोव है डेटाबेस। व्हेन यू रिलोड इट तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट और टेस्ट के मिड में जो समर कैंप था वो क्या हो गया है, डिलीट हो गया है, वो अब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज टू क्रिएट ए डेटाबेस, बट ऑनलाइन में आप डेटाबेस क्रिएट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ये ऑलरेडी आपको डेटाबेस मिलेगा, यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरीज है, आप यहाँ पे अपनी क्वेरीज डायरेक्टली रन कर सकते हो, ठीक है, क्वेरीज पे क्लिक करो। अब क्वेरीज में क्या है, टेबल का नेम आ गया, ठीक है, सेलेक्ट टेबल, आप कोई टेबल सेलेक्ट कर सकते हो, कॉलम या क्वेरी बाय एग्जांपल, आप कॉलम ऐड करना चाहते हो तो क्लिक कर दो, ठीक है, इस तरह से। और अगर आपको क्वेरी रन करनी है तो एसक्यूएल पे चले जाओ। अब यहाँ पे फ्रूट वाली टेबल हम क्रिएट करके देखते हैं, तो यहाँ पे टाइप करो क्रिएट टेबल, बिल्कुल वही वाली कमांड है जो अब तक यूज कर रहे थे, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, क्रिएट टेबल फ्रूट, सॉरी, हाँ क्रिएट टेबल फ्रूट एंड ये एंड सेमी कॉलन। अब यहाँ पे आपको क्या फील्ड के नेम एंटर करने हैं, सबसे फर्स्ट लिया आपने सीरियल नंबर, अब सीरियल नंबर में क्या इंट थ्री ले लो कॉमा, उसके बाद में क्या होगा, फ्रूट का नेम आ जाएगा, नेम आ गया वाक्य 100 कॉमा, एंड फिर यहाँ पे कलर, ठीक है, लास्ट में आपको कॉमा यूज नहीं करना है, एंड ये आपकी क्वेरी हो गई। तो किस पे क्लिक कर दो, गो पर क्लिक कर दो, क्लिक ऑन गो, देखो आपकी टेबल क्या हो गई, सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं, तो स्ट्रक्चर पे देखो आपकी फ्रूट वाली टेबल यहाँ पे अवेलेबल हो गई। तो व्हेन यू क्लिक ऑन फ्रूट तो आपको आपकी टेबल में कोई डेटा यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर आपको टेबल में कोई डेटा इंसर्ट करना है तो देखो इंसर्ट कमांड यहाँ पर है, यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू एंटर करो, जैसे 1 और यहाँ पे कलर रेड कर दिया, और किस पे क्लिक कर दो, गो पर, ठीक है, देखो ये डेटा इंसर्ट हो गया। सेम वही क्वेरी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये अपना सर्वर है जो ऑनलाइन चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करो, क्लिक ऑन स्ट्रक्चर, और देखो ये आपका स्ट्रक्चर आ गया टेबल का, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन ब्राउज तो ये देखो आपका ये डेटा अवेलेबल हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब अगर आपको क्वेरी के थ्रू डेटा इंसर्ट करना हो तो क्लिक ऑन एसक्यूएल, अब यहाँ पे देखो इंसर्ट वाली क्वेरी है, इंसर्ट पे क्लिक कर दो तो ये पूरा एज इट इज आ गया, बस यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दो भाई। जैसे मान लो 2 एंटर करोगे आप, यस, कहाँ पर, ये मैंने इसको जूम किया हुआ है, ठीक है, जूम किया हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे बनाना को यूज कर लिया, ये वाला जो क्रॉस है ना लेफ्ट हैंड साइड में रेड कलर का, ये, अच्छा ये क्रॉस क्यों आ रहा है,
ये क्रोज इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी आपने सारा डेटा एंटर नहीं किया है ना। अब जैसे आप सारा डेटा एंटर कर लोगे ना, जैसे आपने यहाँ पे रेड कलर ग्रीन कलर ले लिया, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे करोगे कंप्लीट क्वेरी लिखोगे तो ये वाला साइन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, है ना। जब तक आपके क्वेरी में एक भी एरर होगा तो ये क्या होगा यहाँ पे, वो जैसे मान लो यहाँ पे आपने कुछ भी टाइप किया सेमी या कुछ भी ऐसे गलत टाइप कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, साइन आ जाएगा, ठीक है। अब साइन में ही आपको एरर शो करेगा कि आपने क्या अनएक्सपेक्टेड टोकन टाइप कर दिया नियर, और ये आपको बता भी रहा कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो आपने क्या किया इसको रिमूव कर दिया। सपोज करो आपने ग्रीन में आपने सिंगल इनवर्टेड कॉमा यूज नहीं किया, तो अब ये आपको बता रहा है कि नियर एक्सपेक्टेड एंडिंग कोटेशन, ठीक है, यानी एक और कोटेशन आना चाहिए, तो ये आपको हेल्प करेगा यहाँ पर। और फाइनली जब आपका ये हो जाए तो किस पे क्लिक कर दो, यहाँ पर गो का ऑप्शन है, ठीक है, क्लिक ऑन गो, ये गो पे क्लिक किया और आपका डेटा टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ओके, ओके, देखो सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हो गया। आप क्लिक ऑन ब्राउज, यहाँ देखो ब्राउज पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सर्वर थोड़ा लेट रिस्पॉन्स कर रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा सर्वर स्लो है अपना इन्फिनिटी वाला, इसलिए रेस्पॉन्स लेट हो रहा है, कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको स्ट्रक्चर उसका पूरा डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा टेबल का। तो ये प्रोसेस आपको यूज करके देखना है, आज आपको टेबल क्रिएट करना है, कल मैं आपको लिंकिंग बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर में ये वाली टेबल में डेटा कैसे लिंक करोगे। मतलब क्या होगा, एक फॉर्म बनाएंगे अपन एचटीएमएल का, उस एचटीएमएल के फॉर्म में क्या करना है आपको, ये देखो, ओहो थ्री टाइम्स क्लिक हो गया तो थ्री टाइम बनाना स्टोर हो गया यहाँ पे, ये सब मैं आपको प्रिवेंट करना बताऊंगा कि सेम वैल्यू को कैसे रोक सकते हैं। आज आपको सिर्फ टेबल बनानी है। कल हमारा टास्क होगा हम एक फॉर्म बनाएंगे स्टूडेंट का, यहाँ क्या होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, फादर नेम होगा, मदर नेम होगा, क्लास होगी। जब आप इसको सबमिट करोगे तो ये डेटा कहाँ चला जाएगा, सारा डेटा ये इस टेबल के अंदर चला जाएगा। तो कल मैं आपको ये वाली लिंकिंग करवाऊंगा। अच्छा चलो, अब आप अपने क्वेश्चंस पूछो, लास्ट के 3 मिनट्स हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछो इससे रिलेटेड, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन बता दूं। अब तो आप करने जा रहे हो, आप थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि ये सारा क्या कोडिंग बेस्ड है, आपने मिस्टेक की तो टेबल नहीं बनेगी, और जरा से कॉमा की भी मिस्टेक कर दी तो डेटा एंटर नहीं हो पाएगा टेबल के अंदर। तो बस थोड़ा सा आपको अच्छे से करना है, एक्चुअली कई स्टूडेंट्स की दूसरा सवाल है। अब आ रही वॉइस प्रॉपर, एक्चुअली कई स्टूडेंट की समर कैंप की दूसरी क्लास भी है, तो इस वजह से कई स्टूडेंट जा चुके हैं, कोई बात नहीं। वैसे हमने मेन टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया है, तो आपको क्या करना है, आज आप एक टेबल बनाना है स्टूडेंट के नेम से। अरे डेटाबेस तो हमारे क्लास टेन के चैप्टर में भी है ना। हाँ डेटाबेस, अच्छा 11th की बात कर रहे हो क्या, या 10th की? 10th में आपका डेटाबेस के नाम से एक एप्लीकेशन है ओपन ऑफिस की, ओपन ऑफिस डेटाबेस, उसमें भी सारी क्वेरीज आपको पढ़नी है जो मैंने बताई है। Yes, है ना sir. तो वहां पे भी आप ये सारा पढ़ोगे, वो है यूनिट फोर के अंदर आप करोगे इसको। चलो ये तो बात होगी अपनी डेटा की, आपको स्टूडेंट वाली टेबल क्रिएट करनी है जहाँ पे स्टूडेंट का नेम होगा, फादर का नेम होगा, मदर्स का नेम होगा, उसके बाद आप कोई भी 5 सब्जेक्ट ले लेना, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस कंप्यूटर, और फिर इनके मार्क्स भी एंटर करने हैं हमें। तो ये पूरा आपको फॉर्म भी बनाना है और यहाँ पे टेबल भी बनानी है। इसमें यहाँ पर हाँ इम्पोर्ट कर सकते हैं ना, इम्पोर्ट का ऑप्शन है यहाँ पर, एक्सेल में डेटा भरा हुआ है हमारा। जैसे यहाँ पे इम्पोर्ट पे क्लिक करोगे ना, नहीं ये आप डेटा, ये डेटा नहीं, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो फाइल्स होती है ना उसमें डेटाबेस की पूरी कोडिंग होती है, वो मैं आपको करके बताऊंगा कैसे होता है इम्पोर्ट, डायरेक्ट एक्सेल की फाइल से नहीं होगा। हाँ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सेल की फाइल में, जैसे आपने एक्सपोर्ट क्लिक किया और पूरे डेटा को किसमें कर सकते हो आप, एक्सेल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो सारी रोज को, बट यहाँ इम्पोर्ट जो करना है, इम्पोर्ट करने का मेथड थोड़ा अलग होता है, तो वो अपन समझेंगे बाद में।
आज आपको क्या करना है, आज आप एक ट्राई करना है स्टूडेंट वाली टेबल बनाने के लिए, जिसमें स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम और कोई भी 5 सब्जेक्ट वहां पे एंटर कर देना। और कल मैं आपको HTML का फॉर्म बना करके उस फॉर्म से डेटा यहाँ डेटाबेस में स्टोर करना बताऊंगा कि आप सबमिट करोगे और सारा डेटा आप यहाँ पे एंटर कर दोगे। दूसरी चीज कि आफ्टर एंटरिंग द डेटा हम उसके मार्कशीट ऑनलाइन कैसे शो कर सकते हैं, जैसे CBSE में आप अपने रोल नंबर एंटर करते हो और आपकी मार्कशीट शो हो जाती है, वो वाला सॉफ्टवेयर अपन यहाँ बना के देखेंगे कल। चलो तो आज आप प्रैक्टिस करो, W3 स्कूल से जाके क्वेरीज देखो SQL की, अच्छे से प्रैक्टिस करो और कल हम अपने सॉफ्टवेयर का काम स्टार्ट कर देंगे। चलो और कोई डाउट हो तो गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर देना और फिर अब कल से सॉफ्टवेयर की स्टार्टिंग है। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस क्लास। ओके, सी यू ऑन टुमारो, बेस्ट ऑफ लक।